हर जगह मतलब पानी पानी हो रखा है कि अभी ग्रीन हो चुका है। ऑलराइट, सो अगले दिन की सुबह हो चुकी है, आज है ट्यूसडे। बाकी आज ब्रेकफास्ट करेंगे ये रोटी, तो रोटी को हमने ऐसे मसाले में रोस्ट कर दिया है, मतलब अच्छे से टोस्ट करके मसाले में मस्त बना के अभी सुबह में ब्रेकफास्ट करेंगे चाय के साथ। बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब क्रंची क्रंची रोटी और वो भी मसाले वाली। बाकी ये हमारा दही जो कि कल हमने रख दिया था, वो पहले बनाया था, वो खत्म हो चुका था, तो अभी जस्ट निकाला है हमने, तो ये जम चुका है अच्छे से, दही भी जम चुका है। अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, वो रोटी मसाले वाली। तो वैसे ये कल रात को हमने बना दी थी, सुबह में मैं खाना भूल गया और ये अपनी कुकीज लेके बैठ चुका था। लेकिन अच्छी बात है कि मैं हम जग गए और नीचे आके पता है कि ये भी बना हुआ है, नहीं तो फिर मैं तो वैसे ही चला जाता। ऐसा ये हम लोग बहुत खाते थे इंडिया में, मजा आता है, और इसकी वजह से दो तीन रोटी हम लोग ज्यादा भी बनाते थे, तो बच जाए और सुबह के लिए ऐसे मसाले में मतलब टोस्ट करके रख दे। ये देखो दिखने में भी अच्छी दिखती है ये, और खाने में तो बहुत ही अच्छी। तो ठीक है, अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं ऑफिस की, और क्योंकि 7:20 हो चुके हैं। राइट, सो निकल चुके हैं, आज रिसाइकल डे है तो इसको भी बाहर रखना है अभी इनको। तो ठीक है, अभी गाड़ी निकालते हैं बाहर, फिर बिन को बाहर रखेंगे। बिन को रख देते हैं बाहर। बाय। ये देखो यहाँ पे ऑन डिमांड बस आती है। यहाँ पे रख देते तो गाड़ी भी निकल जाए। तो अभी मिलते हैं शाम को। 8 hours later। ये देखो मतलब टेम्परेचर है अभी +6 और मैं निकल चुका हूँ, निकल तो गया ही था और घर भी पहुंचने वाला हूँ, तो हर जगह मतलब पानी पानी हो रखा है। तो घर पे पहुंच चुके हैं, गाड़ी की हालत खराब हो गई है, बाकी हर जगह पानी पानी। अपने पेड़ भी ग्रीन हो गए, देखो हमारे जितने भी ट्रीज है वो स्नो में ढक चुके थे, मतलब बहुत सारे स्नो थी वो सब हट चुकी है, अभी ग्रीन हो चुका है। अभी इसको अंदर ले लेते हैं पहले। ये देखो हालत, मतलब हर जगह पानी पानी हो रखा है। अभी +6 मतलब ऐसा लग रहा है कि स्प्रिंग आ गया, अभी समर वाली फीलिंग है बाहर। बिल्कुल भी ठंड नहीं है, बिल्कुल भी ठंड नहीं है। पीछे देखो पूरा डेक क्लीन, पैटियो भी क्लीन, और ग्रास भी दिखाई दे रहा होगा आपको, सारी जितनी स्नो थी सब मेल्ट हो चुकी है ऑलमोस्ट। बाकी वेदर देखो आप, बहुत ही क्लीन और सनी है, बहुत ही अच्छा वेदर है। ऊपर भी जितना स्नो था वो मेल्ट हो चुका, नीचे देखो पानी, अभी मैं जहां से आया वो भी पानी पानी हो गया। तो अभी टेम्परेचर यही रहने वाला है, तो मैं बेसमेंट में आ चुका हूँ, हम लोग ह्यूमिडिटी मीटर को सेट कर देते हैं। तो ये अभी 20 पे था, मैंने 30 पे कर दिया है। यहाँ पे मैं पनीर क्रिएट कर रहा हूँ आज, आज हम लोग पनीर भुर्जी बनाएंगे। बाकी नीचे क्या हुआ है आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। ये देखो मतलब कॉर्न और मटर अब सब इधर उधर बिखर गए, कहाँ तक गए आप देख लो। मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि हम लोग चीजें ऐसे ही निकालते हैं, मतलब ऐसे नीचे फेंक देते हैं और जो हाथ में आ जाए वो आ जाए। तो लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा कि चीज़ें कैसी निकलती है, प्याज कैसे निकाले थे हमने, मिर्ची कैसे निकाली थी, तो ऐसा होता रहता है। ये डाली हमने प्याज, ये पनीर पहले मैं इसमें ग्रेट कर रहा था, ये मिक्सी में हमने ग्राइंड कर दिया तो अच्छे से ऐसे छोटे छोटे हो गए, मतलब अभी हाथ से ऐसे करने की जरूरत नहीं है, मेहनत कम हो गई है। बाकी एक जगह मेहनत चालू है, ये मेहनत चालू है, उसमें टमाटर पीस रहे हैं, तो प्याज हो गया, ये टमाटर, पनीर,
और बनेगी अच्छी पनीर भुर्जी, मतलब रेस्टोरेंट स्टाइल सब कुछ अच्छा अच्छा बन रहा है और वो भी सुबह शाम। अच्छी बात है, मतलब घर में मास्टर शेफ होने का ये फायदा है। तो ये टमाटर डाल दिए हमने। तो ऑलराइट, सो अभी डिनर करने के लिए बैठ चुके हैं। आज हमारी पनीर भुर्जी बन के रेडी है। ये देखो, दिखने में लजीज लग रही है एज यूजुअल। मिर्ची का अचार भी बन के रेडी है। तो डिनर करेंगे आज पराठा और पनीर भुर्जी। तो आप लोग भी सोच रहे होगे कि यार हेल्दी अनहेल्दी, हेल्दी अनहेल्दी, लेकिन पनीर हेल्दी होता है मुझे जहां तक पता है। कल के वीडियो में मैंने बताया था जॉब फेयर के बारे में, वो मैं बिल्कुल ही भूल गया था, लेकिन अच्छा हुआ कि कल के दिन ही मैं बता पाया क्योंकि कल ही था वो जॉब फेयर। तो ऐसे ही जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती रहेगी, कहीं से भी अपडेट मिलती रहेगी जॉब रिलेटेड, तो मैं शेयर करता रहूंगा आप लोगों के साथ। आप लोगों को अगर किसी को भी मतलब जॉब मिल जाए, मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों की लास्ट मैंने जो जॉब अपडेट की थी, तो एक भाई का मुझे मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे कि भाई को जॉब मिली है। तो ऐसी सेटिस्फेक्शन और बहुत खुशी होती है ये जान के कि एटलीस्ट किसी को तो जॉब मिल रही है इसके थ्रू। जितना हो सके उतनी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता रहूंगा और जॉब रिलेटेड ऐसे ही वीडियो बनाते रहूंगा जितनी भी अपडेट्स मुझे मिलती रहे। अगर आप सास्कार्टून में सस्केचौन में हो, आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहना, मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया लाता रहूंगा, साथ में मिलके ग्रो करेंगे। तो ठीक है, अभी डिनर कर लेते हैं। तो डिनर हमारा हो चुका है, मतलब आज के वीडियो में इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन मैं डेली लाइफ अपडेट करता रहता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग भी मतलब आप लोगों को आइडिया आता रहे कि लाइफ में क्या चल रहा है। तो इसीलिए मैं बीच बीच में ऐसी वीडियो भी डालता रहूंगा और इन्फॉर्मेशन मुझे जितनी मिलती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो हर रोज मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन होती नहीं है शेयर करने के लिए, तो किसी किसी दिन आप लोग भी मेहनत कर लेना, ऐसी वीडियो देख लेना। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सो दिस इज योर प्रतीक मनवाल साइनिंग ऑफ। खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, साथ रहे, मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।